दीजिए। आराम से। देखो उमा, अब तक तुमने जितना भी झूठ बोला उसका तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे साथी ने हमें सब कुछ बता दिया, हत्ता के तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। क्या बताया उसने? यही कि तुम दो बच्चों की माँ हो और कयूमाबाद में रहती हो। हमारे पास सब मालूमात है, बस मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई मजबूरी ही तुम्हें इस तरफ लाई होगी। पानी लेकर। देखो उमा, सच बताना ही तुम्हारे लिए बेहतर है, और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो कुछ बताओगी सच ही बताओगी। पानी पी। अच्छा बताओ, शाबाश। जो भी उसने कहा उसने सही कहा, बाकी मैं दो बच्चों की माँ। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमा हुमा पुलिस की सख्ती के बावजूद भी कुछ बताने पर राजी नहीं थी। एसएचओ ने जब हमदर्दाना रवैया इख्तियार किया और उससे प्यार से पूछा तो वो आंसुओं पर काबू ना रख सकी और उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। उसने बताया कि वो एक गरीब घर की लड़की है और 3 साल कब्ल कयूमाबाद में रहाइश पजीर थी, जहाँ उसको उसके पड़ोसी लड़के अरशद से मोहब्बत हो गई और घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हुई, जिसके बाद हुमा और अरशद दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से रहने लगे। लेकिन कौन? अरे खोलो भाई। आती हूँ। दरवाजा खोलने में बड़ा टाइम लगा दिया आपने, आज बहुत देर कर दी। अरे भाई अपना तो काम ऐसे ही है, वैसे अपने काम में कोई पाबंदी तो है ही नहीं टाइम की। अच्छा वैसे काफी थके हुए लग रहे हैं, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे मेरी जान इधर आप बैठ तो सही है। देख मैं तेरे लिए आज क्या लाया हूँ, ये देख। ये तो बहुत खूबसूरत है, ये तो मैं रखूंगी। और ये देख। ना, ये मैं तुझे नहीं दूंगा, अपने हाथों से पहना। ले पहना। इन सालों की सही जगह यही है। अच्छा इनके लिए ना खूबसूरत होना भी जरूरी है। मैली कुछ ऐली पहन लेती है। चादर हटा। आप बताएं कैसी लग रही हूँ? वैसे ये ली कहाँ से? अरे बाबा तू आम खाया कर, पेड़ गिनना छोड़ दे। शादी ना हुई होती ना तो सिर्फ आम खाती, शादीशुदा हूँ पेड़ गिनने पड़ते हैं। वैसे भी आपने कहा था कि शादी के बाद मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। वो तो मैं अब भी कह रहा हूँ छोड़ दूंगा, लेकिन प्यार के दिन सिर्फ प्यार से गुजारने दे। वैसे भी आजकल मोहब्बत पैसे से चलती है, जिस दिन जेब में पैसा ना होगा ना उस दिन तेरे हाथ में बेलन होगा और मेरे हाथ में जूती। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, आपके लिए चाय बना दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमा हुमा को शादी से पहले ही पता था कि उसका शौहर अरशद डकैत है, तहम वो मोहब्बत में अंधी हो गई थी और उसने अपने घर वालों को राजी करके अरशद से शादी कर ली। हुमा ने मजीद बताया कि इस दौरान 3 साल का अरसा गुजर गया और वो दो बच्चों की माँ भी बन गई। उसने अपने शौहर अरशद को डकैतियों से कई बार मना किया, तहम वो उसे टाल जाता और बिलाखिर वो एक मुकदमे में गिरफ्तार हो गया। हुमा ने बताया कि उसके गिरफ्तारी के बाद घर में तंगदस्ती और फाफों की सूरत पैदा हो गई और वकील अरशद की रिहाई के लिए 13,000 रुपये मांग रहा था जो उसके पास नहीं थे, और वो अक्सर अरशद से जेल में मिलने भी जाया करती थी।
चल बैठ चल, तेरी मुलाकात आई है, चलो बीबी। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू सुना? बच्चे कैसे? बच्चे भी ठीक हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं। क्या तू वकील के पास गई थी? क्या कहता है वो? कहना क्या है, कहता है पैसों का बंदोबस्त कर। मैं यहाँ लॉकअप में बंद हूँ, उसे पैसे की पड़ी हुई, क्या काम तो हो जाएगा ना? कहता है जमानत हो जाएगी लेकिन पहले पैसे। वो बहुत बड़ा कमीना है, तूने उससे कहा नहीं अर्शद आएगा सारे पैसे तेरे अदा कर देगा? क्या वो मुझे जानता नहीं है? मैंने बोला था लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी फीस तो बाद में ले लूंगा, लेकिन जो खर्चा होगा वो तो दो। बहुत ही बड़ा कमीना आदमी है अर्शद, बुरे टाइम में सब साथ छोड़ जाते हैं, अपने भी। जब अच्छा वक्त नहीं रहा ना तो बुरा भी नहीं रहेगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अब पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करूँ? तू ऐसे कर, मेरे एक दोस्त है मस्ती खान, तू जा उसके पास और उससे मेरा जिक्र कर और मेरे बारे में बताओ। अर्शद कोई दोस्त वोस्त नहीं होते ऐसे टाइम पे, सब खाने वाले होते हैं, लगाने के टाइम पे कोई नहीं आता। तू पहले से पहले ही ऐसी बातें कर देती है, तू जानती है उसको? वो यारों का यार है, यारों का यार। तू जा उसके पास, जरूर कोई ना कोई रास्ता बता देगा। ठीक है, तू कहता है तो चली जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ये काम करेगा। चल बीवी चल, टाइम खत्म हो गया है। वाह संतरी बादशाह, कुछ तो ख्याल कर ले यार। अबे रहने दे, कभी तूने मेरा ख्याल किया है? ये तो मेरी मेहरबानी है, इसे तुझसे मिलने देता हूँ। एक दफा मुझे बाहर निकलने दे, तेरा शिकवा भी दूर कर दूंगा। अबे बाहर जाके कोई वापसी नहीं आता है। चल ठीक है, जल्दी बात कर ले, साहब गश पे आने वाला है। अच्छा ठीक है, जैसा तुझे बताया तू वैसे ही कर। ठीक है। इधर जरा मुस्कुरा दे, सब ठीक हो जाए। अपना ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। पुलिस के मुताबिक जेल में अर्शद से मुलाकात के बाद हुमा अर्शद के बताए हुए पते पर उसके दोस्त मस्ती खान से मिली और मस्ती खान ने उसे सिद्दीक कमांडो से मिलवाया जो खुद एक कार लिफ्टर था। सिद्दीक भाई इसका नाम हुमा है, इसका शोर जेल में बंद है, इसे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। किस केस में बंद है?